नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो उससे जुड़ा विचार हमारे मन में बार बार घूमते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, मसलन आपके करियर, परिवार, प्यार और समाज। किसी भी मुद्दे पर आपको परेशानी हो सकती है। अक्सर मनुष्य जब किसी ऊहापोह में होता है या कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही है तो वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और तब तक सोचता है जब उसे उसका हल न मिल जाए, उसकी मन की बात जिस तक पहुंचानी है उस तक पहुंच न जाए। किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो आप अपना खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाइए और अगर कुछ ना मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या को भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले अपने आप को सबसे अच्छा महसूस करें। आप इस बात के डर में ना रहे कि क्या आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या करने आता है। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विस्तृत दृष्टिकोण में सोचें। जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो, आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों के लिए आपके लिए मायने रखेगी? अगले 5 हफ्ते तक अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप खुद ही उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसको छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता, आप जिसमें बेहतर है उस पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। नकारात्मक विचारों को ना कहें। अक्सर जब दिन में काम करते के बाद सोने का समय आता है तब नकारात्मक विचार आपके मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें ना कहें। खुद से दृढ़ निश्चय करें कि इस बार किसी फालतू विषय में नहीं सोचना है और ना ही नकारात्मक सोचना है। खुद को व्यस्त रखें। जब आपको लगे कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है तो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं इन कुछ आसान उपाय को अपनाकर। सबसे पहले अपने आप को सकारात्मक तरीके से सोचें। आप कभी ये ना सोचें कि आप ये चीज नहीं कर सकते। आप हमेशा ये सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं और खासकर वो जो आपको बेहतर तरीके से करने आता है, और उसी पे फोकस करें। इससे जो आपके मानसिक उलझन है वो जल्दी ही सुलझ जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।